रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर। रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारी को लेकर बाजार गुलजार हैं। शुक्रवार को मुहर्रम और रक्षाबंधन के चलते बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। बारिश के बाद भी बाजार का रंग फीका नहीं हुआ। रक्षाबंधन के चलते दो दिनों में कारोबारियों की कमाई का आंकड़ा 15 करोड़ के पार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार को दिन भर बाजार गुलजार रहे, हालांकि बारिश के बावजूद भी बाजार का रंग फीका नहीं हुआ। बता दें कि शुक्रवार को ताजियों का त्यौहार मुहर्रम भी रहा। रक्षाबंधन को मात्र 2 दिन ही बचे हैं, जिसके चलते बाजारों में अब काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंस से लेकर मास्क का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। यह तस्वीरें सागर शहर के कटरा बाज़ार की हैं। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं और बाज़ार भीड़ भाड़ से गुलजार हो रहे हैं। शाम के समय यहां कटरा बाजार में मानो पैर रखने को जगह नहीं रही, खासकर राखियों की खरीदी परवान पर दिखी। इसी बीच मुख्य बाजार में भीड़ बढ़ते ही शुक्रवार को ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जहां लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। छोटे छोटे व्यापारियों को भी बाजार बैठकी के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ने बाजार के बीचों बीच छोटी सी दुकान लगाए एक व्यापारी से बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप ही सुनिए। बैटरी वगैरह वाले बहुत परेशान करते, सामान उठा ले। कितने पैसे लगते हैं? 200 रुपया मांगते हैं। अगर नहीं दो तो? नहीं दो तो सामान उठा ले जाते। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के चलते रविवार तक व्यापारियों की अच्छी बिक्री की उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। अगर बारिश ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी तो फिर बाजारों की रौनक फीकी पड़ सकती है। सागर से आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।